السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہے چھس بساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن تفصیل صدر ہند رام ناتھ کووندن چ آج ایکس منعقد تقریب دوران نو تعلیمی پالسی ہن ذکر کران ونمت ز نو تعلیمی پالسی تیار کرنے وز طالب علم ہن مستقبل نظر تل تھونا آمت یت زن مستقبلس من طالب علم کن قسم مشکل ویترین پین کی راشٹری شکشا نیتی 2020 کو کار روپ دینے کے لیے SBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है। इस संदर्भ में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में भारत के युवा सफलता के ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी कुछ वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1990 के बाद जन्म लेने वाले यानी 31 वर्ष से कम आयु के 13 युवा उद्यमियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू अर्जित करके बिलेनियर क्लब में अपना स्थान बनाया। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन च आज एकस तकरीबी दौरान वोनमुत ज पतमें कैचन वरियन मज मुल्क तमीर तरक्की हिंज रफ्तार तेज सपजम तो मरकजी सरकार तरफ यकसान तमीर तरक्की हवाल संजीद कदम तुलना आम। मुझे आनंद है, 7 साल के अंदर काफी कुछ पूर्वी भारत के विकास के लिए हुआ है, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, एक परिवर्तन की बयार देखी जा सकती है। मगर गड्ढा इतना बड़ा था कि भरने में समय लगता है। अब जब हम पूर्वी भारत का विकास की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के विकास के बगैर पूर्वी भारत के विकास की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले असम की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज हम जिस असम को दिखते हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय आजादी के पहले पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। इसका मतलब असम और पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट एक देश के विकास के अंदर बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। और अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के दो हिस्से, एक हिस्सा है आजादी दिलाने के लिए हमें जिन नामी अनामी गुमनाम शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उनको याद करके नई पीढ़ी को हम देशभक्ति से तरोताजा करें। और दूसरा है कि 75 साल से 100 साल तक ये 25 साल हम भारत को कहां से कहां पहुंचाना है इसका संकल्प ले। तो प्रधानमंत्री जी ने ये 25 साल को आजादी का अमृत काल कहा। ये 25 साल में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस दृष्टि से आगे बढ़ना है। और जहां तक आर्थिक विकास का क्षेत्र है,
उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और पूर्वोत्तर के विकास के बगैर ये हो नहीं सकता। पूर्व का विकास भी नहीं हो सकता, भारत का विकास भी नहीं हो सकता। और मैं आज थोड़ी बात आपको पूर्वोत्तर की इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तब से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का, शायद मैं ही अकेला कोई ऑल इंडिया पार्टी का अध्यक्ष होगा जिसने बाय रोड दौरा किया था। 21 दिन तक मैं पूरे पूर्वोत्तर में घूमता रहा और पूर्वोत्तर को समझने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर हमारे देश के लिए सीमाओं के कारण नहीं, इसकी सांस्कृतिक और भाषा की विविधताओं के कारण नहीं, पूर्वोत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब तक पूर्वोत्तर को बाकी के भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा नहीं जाता, हर दृष्टि से मेरा मतलब है कि वहां की जनता और भारत की जनता के बीच में भी सामंजस्य खड़ा होना चाहिए, एकात्मता का भाव खड़ा होना चाहिए, विकास की दृष्टि से वहां का विकास और भारत के विकास का दर एक समान होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की जितनी ही शांति और समृद्धि वहीं पर भी होनी चाहिए। तो हर दृष्टि से पूर्वोत्तर को जब तक भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरगेम रामबाग शूट आउट सवाल कत कान मांग कर मामल ग साफ शिफाफ तहकीकत कर असल हक ब्रो कन तो लूकन मज पद सपदम खदशा दूर कर। एक और वारदात पेश आ गई श्रीनगर में, मुख्तलिफ वर्षन है, सरकार का एक वर्षन, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनकी इस बारे में अपनी राय है, क्या हकाइक है सरकार को बताना चाहिए और मेरी नजर में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हकाइक की पर्दा पूछी नहीं बल्कि हकाइक सामने रखकर कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलती है। और हमारा मानना है सीपीएम का कि कानून की हुक्मरानी अगर किसी भी सतह पर पायमाल हो और बल्कि ज्यादा सरकार की तरफ से या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर कानून के दायरे से हटकर काम करे वो ज्यादा अफसोसनाक है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तलीमी निजाम हवाले कत कान वोनमुत गवर्नमेंट स्कूलन मज ये तलब इलमन मयारी तलीम फराम कर बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले तो संजीद कदम तुलने आमित तलब इलमन मुश्किल वेतरन पेन। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें जब पेरेंट बच्चों को एट द एज ऑफ 3 स्कूलों में भेजता था तो वो प्रावधान सिर्फ हमें प्राइवेट स्कूलों में हुआ करता था। अब फ्रॉम द मार्च जो 2022 मार्च से जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो अब हम अपने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, दैट मीन्स नर्सरी LKG and UKG जो इससे पहले सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर टू, वी हैव मेड किंडरगार्टन क्लासरूम जो प्ले वे मेथड के साथ हम इनको पहले श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में आज PDL TDL एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यद महकमे बिजली में काम करन वाल कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिम चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम चुना इंतजामिया तरफ तीन मसल अंजरानस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम सड़कन पे बहनस मजबूर सपदम डिवीजन 3 का प्रेसिडेंट हूँ PDL TDL एम्प्लॉयज यूनियन का। तो हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारी DPC 2019 में हुई है तो उसके आर्डर उजरा किया जाए। उसी के साथ हमारी कुछ लड़कों की सीनियरिटी लिस्ट फिक्स हुए हैं, उसको भी हो गए लगभग 2019 से वो भी हो गए हैं फिक्स, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं निकला है। तो उसके बाद चीफ साहब ने लगभग 4-5 DPC की हैं वहाँ पे, हमारी डिलीविजन की DPC नहीं हुई है क्योंकि डिलीविजन की DPC नहीं हुई है क्योंकि इनका ऑर्डर रुका हुआ है 2019 वालों का। हमारा भी ऑर्डर उसी के साथ निकलना चाहिए, हम वरना सड़कों पे आएंगे, यही हमारा मुद्दा है। एक्सीडेंट केसेस हैं हमारे पास, किसी के टांग कटे हैं, पैर कटे हैं, किसी की डेथ हो गई है, हमारे बच्चे भी अब सड़क पर आने वाले हैं। हम अगर गवर्नर साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हम सड़कों पे तैयार रहेंगे आने के लिए।
हम इस वक्त PDL TDL इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन पावर डिपार्टमेंट की तरफ से है। मैं सर्कल प्रेसिडेंट हिलाल भट्ट आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 10 तारीख से हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई हमारी बात सुनी नहीं रहा है। वजह क्या है? ये मुसीबत के मारे ये क्यों खड़ा हुए है, ये क्यों जमा हुए है यहाँ पे, इनका मसला क्या है? जबकि गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि एक डिलीवेजर पावर डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी है, तो जब ये रीढ़ की हड्डी है सब कुछ काम करते हैं, तो इनके लिए कुछ नहीं है। हमारे भाई इस वक्त जिन्होंने जाने दी है पावर डिपार्टमेंट के जरिए से, उनके लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। बड़गमस मे आज PDL TDL एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ एहजाज मुजाहरे कर आमुत दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत जोद आज तम कई फिर इंतजामिया तरफ तिंद मसल अंजरान हवाल यकीन दहानी कर आये, ताहम चुना संजीदा कदम तुलना आमुत यम कि तुम दोबारा सड़कन पे इन मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ मांग कर आमुत कैजुअल तो डेलवेज मुलाजमन हिंद मसल अंजरान हवाल गजीदा कदम तुलने यन युन तुम सड़कन पे दोबारा इन मजबूर सपदन। जो आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया वो खुसूसन हमारे 51 डेलवेजर्स है जिनकी तनख्वाही पहले निकलती थी, अब उनकी तनख्वाही किसी ना किसी वजह से बंद कर दी गई, रोक दी गई। हम अपने एग्जाम साहब के पास इसीलिए आए हैं कि मोहतरम आप हमें बता दीजिए, अगर ये लड़के पिछले 10-15 साल से मुसलसल अपना जो काम है वो सारा अंजाम देते आए है, अचानक इनकी तनख्वाही क्यों रोक दी गई, इसका हम यहाँ पे इसीलिए खुसूसन आज हम इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे ताकि हम अपने एग्जाम साहिबान से ये पूछ सके कि इनकी तनख्वाही जो है वो इनके हक में वागुजार क्यों नहीं हो रही है। अगर इसमें कोई मसाइल है तो वो हमारे सामने बता दीजिए, अगर ये जेन्युइन लड़के नहीं है। खरीव फाबरको लूको तरफ चनाब चि वेई तो बिजली हिंज यित गई खिलाफ एहजाज मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमे PHE तो महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जोद अमे हवाल मुतल महकम कन जिम्मेदार जोन इलाक कुन फिर आव, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूक एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मांग कर आमुत जलाक मे लूकन साफ चनाब तो माकूल बिजली फराहम कर सवाल गजीद कदम तुलने यन युन लूकन बुथिन वाल मुश्किल दूर कर प्रॉब्लम ये PHE बनोमुत वाटर पंप शेड तथ गई वरी तैयार गमत तथा टंकी वंकी लगित तथा पाइप फिट कर सरस गामस कनेक्शन दिख मगर आब कहें गई वह फिर अमक डायरेक्टरस तमो वोन अस केस कोरमुत यमो यम सुंद जमीन तम से रोजगार मंगान, अगर तम रोजगार जानब तम क्या रोजगार दिवान तो अस आब त्रावान ये कहें अच्छे त्रेश ये कहें त्रेश दाद मरान सैन चारवायन त्रेश आसान तीरन त्रेश अनान ये जन इस प्रॉब्लम तुम मोन कि वह फिर वो अमन अक अनतो गो तो कत गो यम कालो सुबह करान मगर सानि प्रॉब्लम चल हल ग कहें पापरस मे आसान 24 घंटा आब चालू अवान 10 मिनटन आब 10 मिनट पे ग आब पे वनान हे अ्रोना बेडस अ्रोना बेडस अगर जन मह वन पवर गो मह वन हालांकि पवरस वर् आसान हमेशा यह तमिश पता तुम तो वन जरूरत मगर मे वन तो खुद सद खर करो तो करो क्या अस गई मजबूर आज प्रोटेस्ट कर खर अस कौर आज पुरामन प्रोटेस्ट ये सियासत वियासत कह पुरामन प्रोटेस्ट कौर ये जन ये पलूशन मजम फसन बड़े खतरनाक पे तमाम करान सख्ती बर्दाश्त मगर सोन चुन मानान कहें बस आज गुजारिश कर तुहद वसादत मीडिया के वसादत यम जन तम सानि प्रॉब्लम यम ग हल ग त्रेश मिल इन टाइम अस ग कहें प्रॉब्लम रोजन अस ग नो पंप शेड इस जन सह चालू गुन सानि यम प्रॉब्लम यम ग दूर। हम जो ये एहतजाज आज कर रहे हैं बिजली पर कर रहे हैं, हम यहाँ जो कस्बा खरीव है ये
जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको इंडस्ट्रीज वाले फैसिलिटेट करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। हमारी जो बिजली की मांग है यहाँ पे वो सिर्फ 10 घंटे हमें बिजली रहती है, पूरे 24 घंटे में 10 घंटे बिजली रहती है हमारे यहाँ कस्बे खरियू में, लेकिन यहाँ दो रिसीविंग स्टेशन होने के बावजूद भी हमें बिजली फराहम नहीं की जाती है। लेकिन दूसरा रिसीविंग स्टेशन जो यहाँ पे है उसको चालू नहीं करते हैं, उस पर हमें कनेक्शन नहीं देते हैं। हमें बस यही डिमांड है कि उसको चालू किया जाए, उस पर मजीद लोड उस पर डाला जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा। यपर्च वडूरा सोपरिक लूको तरफ तज चनाब वसत बिजली हिंद गई खिलाफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमे पी एच ई तो महकमे बिजली खिलाफ नारबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे अम हवाल मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जोन इलाक फिरन कोशिश कर आये ताहम कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूक एहजाज कर मजबूर सपद मुकामी लूको तरफ एल जी इंतजामिया मंग कर आमुत वडूरा इलाक गज जोन दुन युद जन लूकन साफ चनाब तो माकूल बिजली फराहम कर। हमको यहाँ न पानी है न बिजली है, बहुत परेशानी हो रही है, तो ये मसला हल कीजिए तो ऐसे मसले भी नहीं होंगे। तो रास्ते में निकलने के लिए जब हम मजबूर हो गए तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए, अगर हमारी मांगे पूरी होती तो हम यहाँ पे नहीं आते। कब से आपको पानी की? आज यहाँ पे पानी रहता ही नहीं है, तो कभी बीच में छोड़ते हैं, तो कुछ घर ऐसे भी हैं जो बेचारे ड्रमों में ले जाते हैं, दूर दूर से ले जाते हैं, तो इस तरह से हमारे मसले बहुत ज्यादा, हम पेचीदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज आब न पावर टोटल खाली बिल वा दुनिया बिल पावर नब त्रेन आब दिन पावर سرینگر کس رونیور علاقہ مجھ آج محکمہ تعلیم طرف انرولمنٹ ڈرائیوس حوالہ تقریبی ہند سانز کر آمت یت مز محکمہ تعلیم ہندو ذمہ دارو وستادو تو طالب علم شرکت کر ات موقع پہ یہ والدین پہ زور دن آو تم گھن بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کرن تت ذمہ دارو طرف ون آمت زِ گورنمنٹ سکولن مز قابل وستاد تعینات آنس علاوہ طالب علم معیاری تعلیم فراہم کرنا تو والدین پزہ بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کرنس ترجیح دین یت زن تم معیاری تعلیم حاصل کرنس علاوہ مختلف سکیمن ہند فائدہ تہ تلت ہکن۔ میں روڈ ڈرائیو کے بارے میں تفصیل سے بات کروں میں اپنی دونوں میرے زون کے 49 سکولز کے ٹیچرز نے ڈور ٹو ڈور سرویس کیے، یہ آن فٹ گئے، جو بھی ہمارا یہاں لوکل کیچمنٹ ایریا ہے ان نے ڈور ٹو ڈور سرویس کنڈکٹ کیے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بولتی ہوں کہ میرے زون کے ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے ہم نے 135 اسٹوڈنٹس کو انرول کیا، اور یہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکول سے نکل کے گورنمنٹ اسکولز میں آ رہے ہیں۔ آخر گورنمنٹ اسکولز میں ایسا کیا ہے کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے گورنمنٹ اسکول میں آنا چاہیے؟ بیکاز گورنمنٹ schools are completely free. First of all, یہاں پہ admissions free ہیں، آپ کو کسی طریقے کا admission fee نہیں لیا جاتا ہے، آپ کو ٹیکسٹ بکس فری دی جاتی ہیں، آپ کو یونیفارم فری دی جاتی ہے، اور ایون سمگرا شکشا کی ایک ڈرائیو کے اکارڈنگ لاسٹ ایئر ہم نے اسکول بیگس بھی فری دیے، اور جو ہمارے الگ الگ کمیونٹی سے بچے تعلق رکھتے ہیں، چاہے بی پی ایل ہیں یا ٹرائبل ہیں، ان کے لیے الگ الگ قسم کی اسکالرشپس ہیں، ایون جو سٹی کے اندر بھی ہمارے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ الگ قسم کے اسکالرشپس ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چوگل ہندوارس مز تو آج محکمہ تعلیم طرف انرولمنٹ ڈرائیوس حوالہ تقریبی ہند سانز کر آمت یت مز محکمہ تعلیم ہندو ذمہ دارو وستادو تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ والدین پر زور دن آو تم گھن بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کرن تت ذمہ دارو طرف ون آمت گورنمنٹ سکولن مز قابل وستاد تعینات آنس علاوہ طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کر تو والدین پز پنن بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کرنس ترجیح دین۔ ہم کوشش کر رہے ہیں تمام سکولوں میں بیسک منیمم فیسلٹی پوری کی جائے، اور یہ انرولمنٹ ڈرائیو جو ہے یہ خوش آئند بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو اس سکول میں ایک کلسٹر کے صرف بچے آئے ہیں، 100 کے قریب بچہ جو ہے یہاں اس کلسٹر میں اس وقت تک نئی انرولمنٹ آئی ہے، اور آج صبح 11 بجے تک 10:30 بجے تک
30 प्लस बच्चे जो है इस स्कूल में जो है इनरोलमेंट के लिए आ चुके थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से जैसे इस क्लस्टर में जो है टीचर्स ने काम किया है और मेरी टीम जोनल एजुकेशन ऑफिसर और यहाँ के जो डिप्टी सीईओ हैं उनकी निगरानी में हम हर एक स्कूल में इनरोलमेंट ड्राइव कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 जो आई है उसमें 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की रजिस्ट्रेशन पहली दफ़ा जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है अलो की गई है, वो रजिस्ट्रेशन होगी और ये हमारा जो कारवा है ये आगे बढ़ता जाएगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं बताऊँ कि पिछले साल भी हमारी इनरोलमेंट ड्राइव जो है यूटी में नंबर 1 पर रही थी और इस दफ़ा भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम नंबर 1 पर आएंगे। आज तक हम नंबर 2 पे चल रहे हैं लेकिन विद इन 1-2 डे हम जो अपना जो पुराना स्टेटस है वो बहाल करेंगे और नंबर 1 पर यानी मैक्सिमम बच्चे जो है हम गवर्नमेंट स्कूलों में जो है इनरोल करवाएंगे। अगर कोई ऐसा स्कूल है तो आप जो है मुझे बताइए, जोनल एजुकेशन ऑफिसर यहाँ खड़े हैं, उसमें उस इशू को एड्रेस किया जाएगा और जहाँ से भी कोई फीडबैक ऐसी आती है जिस जगह कोई कमी है चीज़ की उनको हम एड्रेस करेंगे। हो सकता है जैसा कि सीईओ साहब ने भी कहा कुछ स्पेसिफिक स्कूल हैं जहाँ पर एकोमोडेशन की या बाथरूम्स की या ड्रेन वगैरह का इशू हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। अगर कहीं पर पिन पॉइंट है आप इस तरह भी हमारी इसमें नोट्स में ला सकते हैं, हम उसका इजाला करें। अरे सुप्रीम कोर्ट भी अभी वॉशरूम भी नहीं है यहाँ पे, उसकी की भी कमी है जहाँ पर टीचर्स की कमी है, जैसा कि सीईओ साहब ने कहा, डायरेक्टर साहब ने भी कहा, आपने दोनों को सुना, उन्होंने कहा इस साल के विंटर में हम पूरी जान के साथ रेशलाइजेशन करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टाफ कम है वहाँ देंगे, कुछ जगहों पर ये प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, पेरेंट्स के लिए मेरी मैसेज है कि आप महकमे तालीम पर एक एतबारियत बहाल कीजिए, आप अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में भेजिए, हमारे स्कूलों में हम वादा बंद हैं मयारी तालीम दे देंगे। मलबाग नसीम बाग श्रीनगर के लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाक मज ड्रेनेज सिस्टम ना आने किन लूकन कैया मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाल कैया फिर हुकाम जोन इलाक कुन तिरन आव ताहम आज तम कह कदम तुलन आमुत मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत इलाक मज ड्रेनेज सिस्टम तमीर कर सवाल गजन संजीद कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। अस रोजान सलफी लाइन मलबाग नसीम बाग, तो चूंकि अज वज मुख्तलिफ अमूरात पेश दरपेश मसाइल सह खास कर ड्रेनेजु मसल यह गुज एस्टेब्लिश कॉलनी जनाब बेरी 2016 मे यानी मुनसलिक डिपार्टमेंट बासो अर कॉल वो तो क्या मसाइल अं तिमन कथ गोश गुजार मगर आब महल गरन अंदर क्रीट बन सब टैंक बनती ओवरफ्लो गए यह नब सड़क तुम वो पान आब सड़क पे जनाब मगर वो यथ परेशान कि दोनों तंग आमुत बहुत जंग आमुत अल्टरनेटिव तुंद वसात हुकाम बाल कहान गुजारिश कि अस कर तो यह मसल फौरी तौर हल ताकि रोजा बसा वी आर लिविंग। डोडा कस्बे से तोलक थवन वाले लूको तरफ से शिकायत बवान वन आमुत यदव कस्बस मे स्ट्रीट लाइट नसब कर हवाल करोड़ बुद रोप खर्च कर आव ताहम चुन लाइटन हिज रश राउट कर आमुत यम कि सह मकसद फोत सपुद यम बापत कसी रकम खर्च कर आव मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत नसब कर आमचन लाइटन हिज शहर पर हवाल गजन कदम तुलने यन युत जन आम लूकन शाम पत फेरनस थोरनस मज राहत वाति। आगपे माध्यम से हम पहले भी बात पहुंचाते रहे हैं, बिल्डिंगें भी बनेंगी, रोड्स भी चलती रहती हैं, प्रोजेक्ट भी बनते रहें, लेकिन ये छोटी सी बात है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। स्ट्रीट लाइट है, बच्चों ने चलना है, रात को चलना है, बूढ़ों ने चलना है, जवानों ने, स्ट्रीट लाइट के लिए हमने इनको कहा था 1-2 बार, कहते हैं जी कंपनी आएगी वो खुद ही लगाएगी। दूसरी ये बात है कि मतलब कुत्ते हर जगह हैं जिसके लिए लाइट ज़रूरत है, 30-30 कुत्ते, 40-40 कुत्ते, खतरनाक कुत्ते घूमते रहते हैं इसकी तरफ भी। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, नंबर 1 है लाइटों का मसला, जो ही यहाँ पे कटौती शट डाउन होता है लाइट चली जाती है तो एक बहुत अंधेरा सा छा जाता है, गुप्त अंधेरा छा जाता है, वजह यह है कि लाइटें नहीं। तो नाजरीन इस वक्त कोशिश खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।